बड़वानी के वार्ड क्रमांक 10 में विद्युत मंडल के पोल लेकर बिजली लगाने पहुंचे ठेकेदार के कर्मचारियों की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक रमेश पटेल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए। जिन्होंने ठेकेदार के लोगों से जानकारी मांगी तो वे पोल छोड़कर चलते बने। विधायक रमेश पटेल ने मौके से विद्युत मंडल के ई को फोन किया और जानकारी मांगी तो ई ने उन्हें जवाब दिया कि शासन की योजना के अंतर्गत पोल स्वीकृत हुए हैं, जिन्हें वार्ड क्रमांक 10 में भेजा गया है। जबकि विधायक का आरोप है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है और भाजपा के इशारे पर पोल भेजे गए हैं, जिसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत की जाएगी। ग्रामीण पिछले विधानसभा 2013 में भी चुनाव हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि कोई ग्रामीण में खंभे पहुंचवा दूंगा, वो करवा और कैसे खंभे गए, वो खंभे वापस ले आए ये लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, हमारे सामने भी आ रहा है। इन लोगों ने देखो बिल दे रहे हैं, लाइन है नहीं, और चुनाव का जैसे कल आज आखिरी 5 बजे वो खंभे डाल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वोट को लेकर कर रहे, लेकिन यहाँ के हजारे पहले के वोट, एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। हमने जबकि क्षेत्र के लोगों की माने तो उन्हें बगैर बिजली कनेक्शन के बिल दिया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि पानी भी 3 दिन में एक बार टैंकर से दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल से बात की तो उन्होंने शासन की योजना अंतर्गत पोल लगाने की बात करते हुए बताया कि सांसद की अध्यक्षता में काम स्वीकृत हुए हैं और इसी के चलते पोल भेजे थे। कांग्रेस बोखलाहट के कारण बेवजह आरोप लगा रही है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम चल रहा है, इस काम की सलाहकार समिति के सदस्य माननीय सांसद महोदय है और उनसे मिली जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पूर्व स्वीकृति पूरे जिले में मिली हुई थी। सब पूरे जिले में काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, इस पूर्व की स्वीकृति में आचार संहिता में काम चल सकता है, तो कांग्रेस से बौखला रहे हैं, इसलिए वही अधीक्षण यंत्री ने कहा कि IPDS योजना के तहत कार्य चल रहा है और इसी कारण अभी सिर्फ पोल भेजे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते दोनों प्रमुख दलों के नेता एक दूसरे पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाने से नहीं चुक रहे हैं। बड़वानी से अजय यादव की रिपोर्ट।